एक्चुअली मैं बात आरओ पे करना चाह रहा था। आरओ प्लांट बेसिकली आरओ जो है वो जस है या नहीं, आप ओपन में बात करें। आरओ बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसमें आप बड़ी जो पानी मेम्ब्रेन होती है छोटी, उस मेम्ब्रेन के थ्रू हाई प्रेशर आप पानी देते हैं, तभी जो उसके अंदर जो वाटर मालिक्यूल्स के अंदर जो हैवी पार्टिकल्स जितने भी हैं, बड़े मालिक्यूल्स हैं केमिकल्स के, वो स्टे कर जाते हैं और पानी जो है वो खालस H2O बाहर निकल जाता है। वो हम एक सेपरेट ले लेते हैं और इसकी बेसिकली एक आपकी रॉ वाटर इनपुट है और उसकी दो आउटपुट्स होती हैं। और किसी ने एक आपके पास जो है वो ऐसा पानी जिसके अंदर मिनरल्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो आता है, या आप समझ लें मिनरल जीरो है, जीरो तो नहीं होते डॉक्टर साहब, सेकंड करेंगे कुछ हद तक कम हो जाते हैं, यानी 8-10% रह जाते हैं। अगर आपके 1000 CPM TDS थे तो वो आपके 150 से 200 PPM उसके अंदर रह जाएंगे, बाकी रिमेनिंग जो है वो कंसंट्रेट में चला जाता है जो कि हम ड्रेन कर देते हैं और वो हमारा बाय ड्रेन में चला जाता है। अब अगर आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, आपने उसकी अकॉर्डिंग टू आपने फ्लेवर उसको करना है, तो वो आपने उसमें डेंशन देना होती है आपके कंसंट्रेट की। अगर आप सॉलिड आपके पीछे से आ रहे हैं 100 PPM या 150 PPM, तो आपने अगर उसको 300 पे लेके जाना है या 400 पे लेके जाना है, तो आप जो कंसंट्रेट आ रहा है या आपका जो मेन रॉ वाटर आ रहा है, आपने उससे डेंशन लेना होती है। मेनली आर ओ जो है वो क्या करता है, इसके अंदर यूवी भी होता है जो कि बैक्टीरिया के और वायरसेस के इनके DNA पे अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है वो, और वो आप पे जो है वो आपको बीमारी फसल फैलाने के काबिल नहीं रहते। सेकेंडली इसमें हैवी पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स जितनी भी हैं, आपका सिलिका है और दीगर जो डिजॉल्व मटेरियल्स हैं वो निकल जाते हैं। इसके अंदर जो कॉटरेजेस, एक्टिवेटेड कार्बन कॉटरेजेस होती हैं जो कि पानी के अंदर जो गैसेस एब्जॉर्ब होके आई होती हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल आ रही होती है, पानी की स्मेल होती है, वो उसको रिमूव कर देते हैं। और इन एडिशनली आजकल जो जदीद जो प्लांट आ रहे हैं उसमें मिनरल वाटर की बाल्स होती हैं कि फाइनली जब आपका पानी आ रहा है तो वो मिनरल वाटर बाल्स से होके आते हैं, तो वो एक बैलेंस्ड तरीके से आपको जो है वो मिनरल्स मिल रहे होते हैं। तो ये जितना भी हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें ये नहीं है कि मिनरल्स नहीं होते हैं, जितनी आपकी डिज़ायर्ड जो क्वांटिटी है, मकदार है, उसके मुताबिक जो है वो मौजूद होते हैं। अभी इनकी हाल ही में हमें इन सालों में ज़रूरत इस वजह से पेश आ रही है कि हमारा जितना भी जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है, हमारे फर्टिलाइजर्स की वजह से, हमारी एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से, हमारी डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से, उनको हम ट्रीट नहीं करते और वो सारे का सारा जो है वो आपके ग्राउंड बेड में जाता है और वो सॉलिड बनाने का जो है वो मौजूद बढ़ रहा है। बाज़ जगह पे जो है वो कार्बोनेट्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस पानी से चाय नहीं बना सकते, आप कपड़े नहीं धो सकते, कपड़े धोएंगे आपके जितना भी जो साबुन है, डिटर्जेंट है, वो उस कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके आप देखें कहीं पे वो फुटकियाँ सी बन जाती हैं, वो आपकी वॉशिंग नहीं कर रहा होता है, आपको नहाने में एड नहीं दे रहा होता है। तो इसमें जो है वो हमें सबसे पहले एज अ नेशन कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है वो जितने भी अगर कहीं पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर कोई लगाना चाह रहा है या कहीं गवर्नमेंट लगाती है, तो वो हमें उनके साथ बहुत हेल्प करनी चाहिए। सेकेंडली अपने तौर पे भी हमें जो है वो बेजा पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करनी चाहिए और इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और जितना भी पानी जो नीचे से फ्रेश वाटर आ रहा है कोशिश करें ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा जो है वो उसको ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो जब जाना है उसने रिसाइकल होना है। आपके पास कुदरत ने अभी आपको 1000 PPM पे अगर दे दिए है PDS में, तो लेकिन ये नेक्स्ट जब इसने साइकिल होके दोबारा पानी ने वापस आना है, वो 1500 या 2000 PPM तक उसका चला जाना है लोड, तो ये जो है वो हमारे लिए दिन ब दिन जो है वो नुकसानदेह होता जा रहा है। ये सर थोड़ी सी एडिशन थी मैं यार, तालियां जबरदस्त होगी सर, मैं करिए ज़्यादा नहीं पा रहा, वो मेरे मत मुकाबले से ना सच गल की है, सच सच है ना, और ताली होनी चाहिए एक बार फिर। थैंक यू, बल्कि मैं यानी ये चाहूँगा
ਕਿ ਉਧਰ ਸਰ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਂਗੀ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਲੈਣ ਭਲਕੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ 15-16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ